जय भीम साहब जी। जय भीम साहब जी, हम लखनऊ से रामचंद्र गौतम बोल रहे हैं जी। ये सर, जैसे आप हमारी बात को थोड़ा सर कम पढ़े लिखे हैं, गंभीरता से लीजिएगा। हम बहन जी के कार्यक्रम में भी जाते हैं और हमें कोई पद नहीं, मगर एक बहन जी के शासन काल में हमारा गांव अम्बेडकर ग्राम सभा हुआ था। वो रोड बनी थी डामर रोड, वो अंसल वालों ने उसको खोद करके बाउंड्री कर बंद कर दिया। और हम खैर हमें तो कोई फर्क नहीं, मगर हम जानते हैं कि क्या भीमराव अंबेडकर जी एमएलसी हैं बसपा से, 15 जनवरी को मिले भी थे और जाते। और हम एक ऐसे हैं जो आप लोग शिक्षित होकर के समाज को सुधार रहे, और हम इतने कम पढ़े लिखे होकर फिर भी बाबा साहब के बहुत कट्टरवादी, हम ऐसे हैं बहन जी को कोई हमारे सामने गाली नहीं देता, हम लड़ जाते हैं। अगर हमारा ये ग्राम सभा की रोड बंद हो रही है तो हमने फोन किया, अगर वो हमारा काम नहीं हो सकता तो हमें उस बात की नहीं, काम नहीं हुआ। मगर आपको फोन सर उठाना चाहिए, हमारी बात सुनने का अधिकार है कि नहीं सर, अगर आपके पास पावर है तो। बिल्कुल, हमारा किसी ने फोन नहीं उठाया। तो क्या हम जैसे लोग अगर कहीं पर उभर के सामने आएंगे और आगे दूसरा हमको मार के चला जाएगा तो क्या हमारी लाश पर यहाँ राजनीतिक होती रहेगी? जी, जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने कहा है कि जीवित लोग मिशन को रुकने नहीं देते और मुर्दे कभी जागते नहीं। हमें हमारा इतिहास पता है और हम चमार घर में पैदा हुए, हम पढ़े लिखे नहीं मगर 4 किताबें पढ़े लिखे हम हैं, मगर हम टैक्सी ड्राइवर हम दुनिया को सीख चुके। तो आपके पास मुलाकात हो रही और आपको फोन करें, वो ना हो उसकी कोई बात नहीं, मगर फोन को उठा के ये बता सकते हो कि सत्ता नहीं है, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, बंद यानी कोई भी ऐसी चीज है तो हमारे लिए समझौता हो जाता ना सर। सही बात है। तो ये सर सरकारी रोड क्या कोई बिल्डर्स बंद कर सकता है ग्राम सभा में बैठ कर के? जी मुझे ना इसकी जानकारी नहीं है जी, तो आपकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ वो बताइए आप मुझे। बस सर आजकल हम चले गए थे सुल्तानपुर, लखनऊ में घर हमारा, तो यहाँ सवेरे जेसीबी खोद के और दीवार उठाना चालू कर दिए। तो हमने सोचा कि हमारे एमएलसी साहब एक फोन उसको कर दे जो वो लैंड अंसल की लैंड देखता है, उससे तो किसी से फोन करवा देते या तो हमें समझा देते कि नहीं उसको नहीं रोक पाएंगे हम। फोन नहीं उठा, हमें बड़ा दुख हुआ इस बात का। जी जी जी, चलिए ठीक है, आपका मैसेज जो है हम जो है फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे जी। ठीक है सर जी। साहब जी बस ये है कि हमें ये नॉलेज होना चाहिए, कोई कहता कि सरकारी रोड बनाई ग्राम सभा में बैठकर किसी कोई बिल्डर्स का अधिकार नहीं कि वो रोड बंद कर सके। जी बिल्कुल, प्राइवेट बिल्डर का कोई अधिकार नहीं है। हाँ तो सर ये जो अब आपको हमने सब आपका न्यूज जो है देखा करते हैं, तो कुछ लोग जातिवादी में आपसे कमेंट किया करते, मैं आपकी न्यूज बहुत पहले सुनता था। जी जी, जब आप बड़े प्यार से समझाते हैं तो बड़ा अच्छा, यानी सुकून बहुत मिलता है कि कोई हमारा अपना है और समाज में इस तरीके, जबकि आप सब क्रोधित होकर बात करते हैं और आप बिल्कुल नॉर्मल होकर उनको समझाते हैं और वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो सही है नहीं, किसी ने जवाब नहीं दे पाते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने। तो साहब जी इतना दुख हो रहा है कि रात भर में आज बाउंड्री बन गई फोन, माना कि आप और हमने व्हाट्सएप पर, हमारा व्हाट्सएप पर भीमराव साहब की फोटो भी लगी है, फिर उसमें पूछ रहे आप है कौन जी, और उसके बाद फोन नहीं उठा, फिर उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो ये तो हमें इस बात का दुख नहीं, कल हमारे को अगर हमारी जान जा रही हो और हम फोन करें साहब इस जगह पर इतने लोग मारने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल जब हम मर जाएंगे तब उसके बाद पेपर में निकलेगा, तब राजनीतिक होगी। बाबा साहब का नाम मैं तो सभी पूरे समाज के लोगों से कह रहा हूँ। आपका नाम क्या है? साहब हमारा नाम है सर रामचंद्र गौतम। रामचंद्र गौतम, ठीक है। अभी जो है ना सुबह थोड़ा मेरे को निकलना रहा कहीं पे, तो थोड़ा लंबी बात नहीं कर पाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, अच्छा साहब जी ठीक, ओके ओके, नमो बुद्धाय जय भीम साहब जी। नमो बुद्धाय।